हर हर महादेव आप सभी को। और आज हम आ पहुंचे हैं काशी विश्वनाथ जी के आपको पूरा नाइट व्यू देने के लिए। तो आइए पहले दर्शन करते हैं काशी विश्वनाथ जी के। ये क्या चल रहा है, वाह यहाँ पे, ये देखिए आप यहाँ पे सफाई कराने के लिए कितना प्यारा लग रहा है देखने में। तो आइए आप सभी को दर्शन कराते हैं बाबा विश्वनाथ जी के। तो इस तरफ आप देख सकते हैं और कितनी भीड़ है यहाँ पे। तो यहाँ आप दर्शन, पहले तो यहाँ पे दर्शन करिए हमारे बाबा विश्वनाथ जी के। तो यहाँ ठीक सामने आपको कितने समीप से, वाह क्या हिंदी है, कितने पास से हम आपको दर्शन करा रहे हैं बाबा के ध्वजा का। तो यहाँ पे आप दर्शन कर रहे हैं बाबा के ध्वजा का। कहते हैं कि बाबा के दर्शन के बाद ध्वजा का दर्शन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है, उतना ही पुण्य देता है। तो आप आज दर्शन कर रहे हैं बाबा विश्वनाथ के, और आज आपको हमको हम यहाँ का पूरा नाइट भी दिखाएंगे। पहली बार पूरा प्रांगण देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ये प्रांगण बहुत ही प्यारा लग रहा है। और लाइन देखिए आप किस तरह से लगी हुई है, दूर दूर से लोग आए हुए हैं, लाइन लगाए हुए हैं सुबह से शाम कर दे रहे हैं। मैं आपको बताऊं परसों हम लोग रात में निकले हुए थे बाहर, तो हमने क्या देखा था कि वहाँ पे 3 बज रहे थे और लाइन इतनी गजब की लग रखी थी कि दर्शन करने के लिए, कि मतलब पहला दर्शन मिले लोगों को इसलिए लाइन लगाए हुए थे। और आज आप देख भी रहे हैं कि शाम है और लाइन देख सकते हैं अभी लाइन वैसे ही लगी हुई है यहाँ पर, क्योंकि क्यों ना लगी रहे, वैसे भी बाबा का दरबार है, इतनी भीड़ है। आइए मजे लीजिए, आप भी दर्शन करिए हमारे बाबा विश्वनाथ जी के। हाय कितना प्यारा है ये। तो यहाँ ठीक पीछे देखिए कितना प्यारा कुत्ता है, यहाँ पे ऐसा ना हो लेकिन झपट ले, उसको प्यार करने का बड़ा मन कर रहा है। आई एक बार छू ले, एक बार नहीं एक बार छू के देखिए तो सही। तो यहाँ पे आपको मैं एक बात और बता दूँ, बहुत अच्छी बात है यहाँ पे, ये है कि अगर कोई बहुत एजेड है और यहाँ आना चाहता है दर्शन करने के लिए नहीं आ पा रहा है, तो इसकी व्यवस्था यहाँ पे अच्छी खासी दी गई हुई है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दादी जी बैठी हुई हैं व्हील चेयर पे, तो ये भी दर्शन करने यहाँ पे आई हुई हैं, चल नहीं सकती, लेकिन वो इनके लिए भी पूरी व्यवस्था यहाँ पे दी गई हुई है ताकि लोग आके यहाँ पे दर्शन कर सकें। वाकई में बड़ी अच्छी व्यवस्था बना के रखी गई हुई, इसीलिए मैं कह रही हूँ अगर आप लोग भी आना चाहते हैं तो आइए यहाँ पे दर्शन करिए। और यहाँ पे दादी जी कहाँ की रहने वाली हैं, कहाँ की रहने वाली हैं आप? हाँ, कलकत्ता से आई हैं। अरे वाह क्या बात है, दादी जी कलकत्ता से आई हुई हैं। हम भी कलकत्ता के बड़े बाजार में, मेरे नानू का घर है, नानी का घर है वहीं पे। वाह क्या बात है, हमारे घर के ही लोगों से मिल गए हैं। तो यहाँ पे आपने देखा दादी जी जो आई हैं वो बंगाल से आई हैं, और नानी जी के घर से आई, तो पैर छूना तो बनता है। आशीर्वाद दीजिएगा कि मेरा सारा काम अच्छा हो। तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही प्यारी सी दादी जी से मिलाया हमने, बड़ी खूबसूरत सी लग रही है ना। तो यहाँ पे देखिए आप, ये यहाँ पे सारी व्यवस्था दी गई है, जितने भी लोग हैं दर्शन जो नहीं करने आ पा रहे हैं, ये सोचते हैं कि नहीं हो सकता है दर्शन या फिर बहुत चलना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप सबके लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था कराई गई हुई है यहाँ पे। तो आइए चलिए चलते हैं, आपको पूरा प्रांगण दिखाते हैं यहाँ का। तो यहाँ पे आप दर्शन करा आपने विश्वनाथ जी के, और आइए एक बार हर हर महादेव तो बनना, सॉरी, तो एक बार हर हर महादेव बोलना तो बनता ही है। प्रांगण में खड़े हैं, बाबा के दरबार में खड़े हैं, और इतनी मेहनत से लाइन लगाए हुए, भैया आगे बढ़ रही है, चलते रहिए चलते रहिए, जगह नहीं छोड़ना है अपनी। तो आइए एक बार जोरदार हर हर महादेव हो जाए, ठीक है? अरे जिसकी बुलंद आवाज स्टार्ट करे, हाँ भैया जी, कितना प्यारा सा था, पीछे से अपने से आया महादेव है ये। तो यहाँ आपने देखा दर्शन किया और प्यारे प्यारे भक्तजनों से भी हमने आपको मिलाया, देख रहे हैं कितने लाइन लगी हुई है यहाँ पे, लेकिन लोग बड़े डटे हुए हैं कि यहाँ दर्शन करके जाना है। यहाँ पे आज का जो दृश्य है ना वो गजब का लग रहा है। तो आइए चलिए चलते हैं यहाँ पे, क्या आप चलते हैं वहाँ पे भी आपको दर्शन कराते हैं, आगे भी आपको दिखाते हैं यहाँ का प्रांगण और नाइट व्यू तो लगता है ना। आज गंगा द्वार भी दिखाएंगे, बड़ा दिन हो गया देखे। आइए तो यहाँ पे आपने एक प्रांगण देखा, गंगा द्वार वाला प्रांगण एक है, ये नंबर 2 है और नंबर 1 वाला बाहर है। तो चलिए वहाँ पे भी चलते हैं, लाइटिंग तो गजब की लगती है, हमारा स्वर्ग देखना तो बनता ही है। आइए
तो आइए हम आ चुके हैं दूसरे मतलब पहले प्रांगण में। इधर पहले तो अंदर ले जाने देते नहीं थे फोन, और अब ले जाने देने लगे हैं। तो ये आपका पहला प्रांगण जो कि मैंने आपको हमेशा दर्शन कराया ही है, तो आइए आज फिर आपको एक बार दर्शन कराते हैं। बड़े दिन हो गए थे यहाँ के दर्शन किए हुए, तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं पूरा यहाँ पे। लेकिन लाइट्स पता नहीं क्यों ऊपर की ऑफ हो चुकी है, और देखिए सफाई 2400 घंटे यहाँ पे होती रहती है। आपको पूरा प्रांगण एकदम किसी वो लगेगा, मतलब खूबसूरत लगेगा देखने में। और यहाँ आप दर्शन कर रहे हैं भारत माता मंदिर के, यहाँ पे भारत माता मंदिर का आप दर्शन कर रहे हैं। लोगों को फोटो क्लिक कराना यहाँ पे बड़ा पसंद आता है। और इस बार तो मैंने एक नई चीज़ देखी कि यहाँ पे जो फॉरनर्स हैं वो अंदर दर्शन करने भी जा रहे हैं, क्योंकि पहले तो क्या था कि दर्शन करना मना था इन लोगों का, लेकिन अब ये लोग भी अंदर जाके दर्शन कर सकते हैं। भीड़ देखिए, अरे वाह क्या बात है यहाँ पे। आप यहाँ पे कितने दिन बाद, यहाँ के ना एक अजीब सा सुकून मिलता है मुझे, बड़ा ही कितना भी मतलब दुखी रहूं या फिर कुछ भी है बात हो मन में, लेकिन यहाँ आने के बाद इतना अच्छा फील होता है ना। आइए आपको मैं यहाँ पे दर्शन कराती हूँ यहाँ के गंगा द्वार का, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। और देखते हैं गंगा जी यहाँ पे कम हुई है कि नहीं हुई है। हमारा यहाँ पे स्वर्ग से सुंदर हमारा गंगा द्वार देखिए, बड़ा ही प्यारा लग रहा है देखने में। वाह, जितनी बार देखो उतनी बार नया ही लगता है देखने में। चलिए दिखा यार गजब अंधेरा लग, हमारी रॉकेट लाइट बुझी पड़ी हुई है तो अंधेरा ही हो रखा है यहाँ पे। अरे वाह, ये जगने वाली लाइट जल रही है, ये लाइट जैसे लगता है ना दिए जल रहे हो एकदम वॉल पे। यहाँ से आपको मैं दिखा रही हूँ, ये देख रहे हैं आप, ये आप जब गंगा द्वार की एंट्री करते हैं ना तो वहीं पे ये ऐसे पूरा लगाया गया हुआ है। यार ये लाइट देखिए, अंदर से जो लाइट्स लगी हुई कितना प्यारा लग रहा है देखने में। लाइट लगी कहाँ है? अच्छा अंदर की साइड लगी हुई है। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, आइए और दिखाते हैं वहाँ पे, देखते हैं वहाँ पे क्या है। कुछ हम हर बार जब भी आते हैं ना यहाँ पे कुछ नया कुछ अच्छा देखने को मिलता है। ये जो पेड़ पे यहाँ पे जो लाइट सारी कितनी बढ़िया लग रही है देखने में, है ना। यहाँ मेरी फोटो क्लिक कर देना। तो फाइनली मैंने आपको दर्शन कराए बाबा विश्वनाथ जी के, और यहाँ का भव्य दर्शन मैंने आज आपको नाइट व्यू जो है पूरा दर्शन कराया, जो कि गजब का था। आई होप आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो हर हर महादेव कमेंट में आना चाहिए, समझे ना सारे लोगों का। तो हर हर महादेव आप सभी को, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, समझे ना। ऐसा ना हो कि 5 व्यू 5 के 6 के, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा के नाम पर ढेर सारे व्यू आने चाहिए।